दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रदेश भर में इन दिनों कॉलेज और स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेज प्रशासन लगातार इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की नकल नहीं करें, लेकिन कुछ सातिर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इस तरीके से नकल करते हैं कि कॉलेज प्रशासन को भनक भी नहीं लगती है। ऐसा ही मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आया है। बाड़मेर के नर्सिंग कॉलेज के दो स्टूडेंट कान में ब्लूटूथ लगा करके नकल कर रहे थे। हालांकि बीएससी फर्स्ट ईयर का ये एग्जाम चल रहा था, इस दरमियान कॉलेज प्रशासन को सूचना मिली कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो नकल कर रहे हैं, और वहां पर जाकर देखा तो दो स्टूडेंट जिन्होंने कानों में ब्लूटूथ लगा करके नकल कर रहे थे ये दोनों, और उसके बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया और दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस प्रकार के जो डिवाइस हैं ये कहां से लाते हैं, कौन ऐसे लोग जो हैं इस प्रकार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि अगर इसी उम्र में बच्चे इस प्रकार के नकल और इस प्रकार के काम सीख गए तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इन दोनों बच्चों के पास ये जो डिवाइस है नकल करने वाले ये कहाँ से आए हैं, किसने इनको प्रोवाइड करवाए हैं, क्या इनके परिजनों के भी हाथ इस पूरे नकल में साथ हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप कोतवाली की देख रहे हैं। बाड़मेर नर्सिंग कॉलेज के बीएससी फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये